Hello guys, welcome to InfoTuber. This is Vivek Singh and I'm back with another video. तो मैं एक नए वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ और आज का वीडियो एक जनरल टॉपिक के ऊपर है. तो थोड़ा सा मैं उस टॉपिक के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको. तो टुडेज टॉपिक इज टू क्लियर द सिंपल कन्फ्यूजन मेनी पीपल हैव टूवर्ड्स द फैक्ट एज टू वेयर दे कैन फाइंड एंड नो अबाउट देयर राइट्स एंड वॉट इज आई पी सी फॉर. सो आज का टॉपिक एक सिंपल सी कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के बीच में कि वो कहाँ पे अपने राइट्स को पढ़ सकते हैं, कहाँ पे उन्हें उनके राइट्स मिलेंगे, उनके अधिकार पढ़ने को मिलेंगे जिन्हें वो जान सकते हैं. क्योंकि अपने राइट्स सबको पता होना चाहिए, लीगली नॉन लीगली सबको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें क्या अधिकार और हक दिए हैं. ऐसे एक्चुअली जनरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच जिन्हें लगता है कि आईपीसी में उनके राइट्स मेंशन हैं, और ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. तो वही कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ ताकि लोग एजुकेटेड रहें. अब जिन्हें नहीं पता इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट जिन्हें पता है उनका काम होता है लोगों को एजुकेट करना, उनके तक उन तक पहुँचाना ये सारी इन्फॉर्मेशन. सो वही मैं कर रहा हूँ. एंड जिन्हें पता है वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग टू नो. आपको अपने पता होने चाहिए, अपने अधिकार पता होने चाहिए. तो लेट्स मूव ऑन. सो बिफोर बिगिनिंग, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है इन द फ्यूचर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. और मैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ हमेशा वापस आते रहूँगा. सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक अगेन. व्हाट आर योर राइट्स, वेयर यू कैन रीड देम. योर राइट्स कैन बी रेड एंड फाउंड इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपके अधिकार, आपके हक जो भी होते हैं, जनरल बेसिक हक या अधिकार जो गवर्नमेंट आपको देती है, वो भारत के संविधान के टेक्स्ट में आप पढ़ सकते हैं. उसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं. वहाँ पे आपको आपके बेसिक और जनरल राइट्स मिल जाते हैं. योर जनरल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सच एज राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मूव एंड राइट टू ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. तो आपके जैसे जो बेसिक अधिकार हैं, आपके सांस लेने के अधिकार, आपकी बोलने का अधिकार, आपके स्पीच का अधिकार, आपके शिक्षा का अधिकार, या आप कहीं भी फ्रीली यहाँ से वहाँ पूरे इंडिया में ट्रैवल करने का अधिकार या काम करने का अधिकार, ये सारे अधिकार, आपके सारे हक और राइट्स आपके ये पार्ट 3 में मिलेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स दैट इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 आर योर राइट्स विच कैन बी फाउट फॉर इन द कोर्ट इफ वायोलेटेड. तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि ये आपके वो जनरल राइट्स हैं जिनके वायोलेशन पे, जिनके अगर जिनकी कोई उल्लंघना करता है या जिनके अपोजिट कोई जाता है आपके लिए, तो आप उस मैटर को कोर्ट तक लाकर अपने अधिकार को कायम कर सकते हैं, उस केस को जीत सकते हैं. जैसे किसी ने आपको मना कर दिया कि आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते, या आप यहाँ पे पढ़ नहीं सकते या पढ़ा नहीं सकते, तो उस चीज़ को लेकर आप एक केस भी ज़ाया कर सकते हैं और कोर्ट में उस केस को ले जाकर आपके चांसेस भी हो जाते हैं जीतने के. तो वो होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स जिनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं. फिर आता है पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पार्ट 4 यहाँ पे मैंने मेंशन क्यों किया, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे पार्ट 3 तो ऑब्वियसली पार्ट 4 तक जाएंगे ही, तो आपको ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि ये क्या चीज़ है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच कम्स इन पार्ट 4 आर द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट एंड यू कैन नॉट फाइल केसेज अगेंस्ट द स्टेट इफ इट फेल्स टू कैरी आउट द ड्यूटीज मेंशन्ड इन इट. तो पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, ये बेसिकली एक स्टेट का ड्यूटी होता है, एक स्टेट का काम होता है अपने सिटीजन्स के लिए वो चीज़ें जो भी मेंशन है उसे पूरा करना. जैसे सपोज एक यूनिवर्सिटी बना देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना देना, लोगों के हक के लिए एक सेंटर बना देना, ऐसा कुछ भी, ये सारी चीज़ें स्टेट की एक ड्यूटी होती है. तो प्रॉब्लम यह है कि अगर स्टेट उन ड्यूटीज़ को या एक आध ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाता है, पूरा करने में फेल हो जाता है, तो उसके लिए आप स्टेट को केस में कोर्ट में ले नहीं जा सकते. उसके लिए आप केस नहीं कर सकते हैं स्टेट पे, क्योंकि ये इसीलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं. इसमें कोई राइट्स और कोई अधिकार जैसे वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं. तो नॉट जस्ट योर राइट्स बट योर ड्यूटीज़ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आर ऑल्सो मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
आपके सिर्फ हक नहीं, सिर्फ अधिकार ही नहीं, आपकी ड्यूटी क्या होती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी आपकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए इंडिया के लिए या इंडिया के वेलफेयर या उसकी बढ़ोतरी के लिए, वो भी मेंशन रहते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब आप पढ़ेंगे तो पार्ट 3 में आपको आपके राइट्स और ड्यूटीज मिल जाएंगे, और पार्ट 4 में आपको स्टेट को क्या क्या करना चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए वो भी मिल जाएगा। बस डिफरेंस ये रहता है कि पार्ट 4 में जो भी मेंशन है उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते अगर स्टेट फेल होता है उन ड्यूटीज को कैरी करने में। आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं, व्हाट इज आईपीसी एंड व्हाट इज इट्स यूज, आईपीसी का यूज क्या है और आईपीसी किस लिए होता है। जनरली बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट सबको पता रहता है, बट फिर भी एक जनरल नॉलेज के मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है या जो अभी जस्ट बड़े हो रहे हैं, टीनेज में आ रहे हैं, जिनको ये सब चीजें जानने में इंटरेस्ट है। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, इज ए सब्सटेंटिव लॉ विच मीन्स इट इज द एक्ट दैट डिफाइंस एवरी ऑफेंसेस एंड इफ कमिटेड वेदर दे आर बेलेबल और नॉट बेलेबल एंड द कोर्स ऑफ पनिशमेंट, जैसे फाइन, इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी। तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, पीनल जब लग जाता है मतलब पनिशमेंट का कोड है, तो इसमें हर ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट होती है, उससे क्या उसे कोई एक सेक्शन दिया जाता है और फिर उस पनिशमेंट को डिफाइन किया जाता है, फिर वो पनिशमेंट बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, या उसमें कितनी साल की सज़ा होगी या डेथ पेनल्टी मिलेगी या फाइन होगा उसके खिलाफ, वो सारी चीज़ें आईपीसी में मेंशन होती है। यहाँ पे आपके कोई भी हक या अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो पनिशमेंट और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पनिशमेंट कैसे होती है, किस टाइप की होती है, क्या सेक्शन मिला है उस पनिशमेंट को। इफ़ यू कमिट एन ऑफेंस देन यू आर चार्ज फॉर द ऑफेंस थ्रू आईपीसी, वॉट एवर सेक्शन योर ऑफेंस फॉल्स इन। तो अगर आप जैसे कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो आपको आईपीसी के द्वारा ही पुलिस चार्ज करती है, तो इसमें आपके कोई भी हक या अधिकार आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई ऑफेंस किया है। तो आईपीसी हैज़ नथिंग टू डू विथ योर राइट्स, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बोला कि आईपीसी को आपके राइट्स से कुछ रिलेशन नहीं है आईपीसी का, आपके सारे राइट्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, और आईपीसी एक चार्जिंग लॉ है, आपको चार्ज कर सकता है किसी चीज़ के लिए, किसी ऑफेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो वेयर टू रीड अबाउट द कार ड्राइविंग रूल्स एंड रोड रूल्स, माई राइट्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, माई राइट्स रिगार्डिंग एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत लोगों में ये भी क्वेश्चन आएगा कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारे बेसिक हक मिल गए, हमारे बेसिक जनरल अधिकार मिल गए कि हमें सांस कैसे लें, हमें सांस लेने की आज़ादी है, हमें कुछ बोलने की आज़ादी है, बट फिर वो जो कार ड्राइविंग रूल्स होते हैं, जो रोड रूल्स होते हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू मारपीट और झगड़ों के खिलाफ जो मेरे रूल अधिकार हैं, या मेरे जो राइट्स और रूल्स होते हैं एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, ये सब कहाँ मिलेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलने वाले। तो दीज आर द काइंड ऑफ राइट्स एंड रूल्स यू फाइंड इन स्पेशल एक्ट्स मेड फॉर देम। इन सारे टाइप ऑफ रूल्स के लिए या इन सारी एक्टिविटीज के लिए स्पेशल एक्ट्स बने होते हैं, उनमें ही आपको ये सारी डिटेल्स मिलती हैं आपके रूल्स अधिकार उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को लेके, जैसे सच एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सेट्रा। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो आप में आपको उसमें सारे अधिकार मिल जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनने का प्रोसीजर मिल जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल का प्रोसीजर मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है, नेग्लिजेंस इन ड्राइविंग और एक्सीडेंट के कैसे केसेस बन जाते हैं, कैसे आप चार मतलब कैसे आपको उसमें गुनहगार ठहराया जा सकता है, वो सारी चीजें आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट में मिल जाएंगी। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो जो घरेलू झगड़े और मारपीट जो औरतों के खिलाफ होते हैं उसके लिए उसके सारे अधिकार, आपके उसमें क्या अधिकार हैं और क्या गलत चीज़ें आपके साथ होने पे कैसे चार्ज हो सकता है, वो आपको इस एक्ट में मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस और उसका डिटर्मिनेशन मिल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे बनता है, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। इन मोस्ट सारे टॉपिक्स पर मैं आगे जाके एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि इन टॉपिक्स के अंदर एक प्रॉपरली इंसान भले से बेसिकली ही लेकिन थोड़ा तो समझ पाए कि क्या है टॉपिक्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबको उतना ही पढ़ने में इंटरेस्ट हो और सबको इतने ही पढ़ने में टाइम मिले। तो मैं ट्राई करूंगा हर एक प्रॉपर लॉ को आपके सामने इन शॉर्ट लाने के लिए, बट वो सब आगे, अभी के लिए पहले देख लेते हैं।
यहाँ पे क्या है, एनी ऑफेंस जनरली कमिटेड अंडर दिस कैटेगरी और सब कैटेगरी ऑफ दीज एक्ट्स ब्रिंग्स आईपीसी इन द सिनेरियो। जैसे कि आपने इनमें से किसी एक्ट में कोई भी गुनाह किया है या कुछ नेग्लिजेंस किया है, तब आईपीसी चार्ज करने के लिए आपको इस सिनेरियो में आता है, तब आईपीसी का मेंशन होता है। जैसे किसी का मर्डर हो गया या किसी को आपने गाड़ी से उड़ा दिया तो उसकी मौत ही हो गई, तो आईपीसी आपको कैसे चार्ज करेगा, वो आईपीसी की जिम्मेदारी होती है। इन स्पेशल एक्ट्स के अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइड्स यू जनरल राइट्स विच अ ह्यूमन शुड बी गारंटीड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो एक ह्यूमैनिटी की सेक के लिए, एक एक इंसानियत के नाते जो आपके हक और राइट्स बनते हैं, अधिकार बनते हैं, सांस लेने के, बोलने के, चलने के, दोस्ती करने के, बातें करने के, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, वो एक जनरल राइट्स हैं। वो आपको ये सारे राइट्स एक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। योर स्पेसिफिक राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर स्पेसिफिक एक्ट्स आर मेंटेन एंड मेंशन इन सच स्पेशल एक्ट्स। ऐसे ही अलग अलग स्पेशल एक्ट्स में स्पेशल आपकी स्पेशल स्पेसिफिक ड्यूटीज मेंशन होती है, ड्यूटीज और एक्ट्स और सॉरी राइट्स और ड्यूटीज आपकी वहाँ पे मेंशन होती है किसी भी स्पेशल एक्ट को लेके या स्पेशल एक्टिविटी को लेके, तो सारी आपको इन स्पेशल एक्ट्स में मिलती हैं। तो ये मैं आई होप कि आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा। ये भले से छोटा वीडियो है बट मैंने अपना फुल ट्राई किया है कि आपको ये समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ऐसा कुछ लेंदी भी नहीं है कि मैं आपको आपके राइट्स के बारे में समझाते रहूँ। इसे एक वीडियो में आपके सारे राइट्स समझाना इज इम्पॉसिबल। तो आगे के वीडियोज़ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या राइट्स हैं, उसको कैसे अवेल करते हैं, फिर आईपीसी कैसे चार्ज करता है आपको, सीआरपीसी और फिर बाकी स्पेशल एक्ट्स, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगा। बट आज के लिए एक डिस्टिंक्शन था, ये मुझे खाली एक डिफरेंस समझाना था आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि बेसिकली लोगों को जो समझ नहीं आता है वो उन्हें पता चल जाए कैसे इसे समझना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगेन लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप नोटिफाइड रहना चाहते हैं, ऑलरेडी एक्नॉलेज रहना चाहते हैं आने वाले वीडियोस के लिए। और मैं जल्द ही कुछ अच्छे वीडियोस के साथ वापस आऊँगा। सो अभी के लिए तो आपसे गुड बाय बोलता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो ट्यूबर। स्टे ट्यून, देयर इज मोर टू कम।